ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर मैक्सिमम हाई वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे 765,000 वोल्ट यानी कि 765 KV की वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों के घर सप्लाई पहुँचाने के लिए। और इंडिया में अभी 1200 KV पर काम चल रहा है, जिससे कुछ टाइम बाद वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में आने वाली है। सो इस चीज़ पे काम चल रहा है। सो इस वोल्टेज से ट्रांसमिशन लाइन क्यों नहीं मेल्ट होती है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। पहली चीज़, जो इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन का वायर का यूज़ होता है वो वायर होता है एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ACSR, ACSS। तो इंडिया में अभी मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो ACSR पे ट्रांसमिशन लाइन बनी होती है। और दूसरी चीज़, जो ACSR का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक पॉइंट होता है वो होता है 660 डिग्री सेल्सियस, यानी 660 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है। तीसरी बात ये है कि ट्रांसमिशन लाइन पे इतना हाई वोल्टेज क्यों करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज हाई करते हैं लॉसेस बचाने के लिए। अब मान लिया मैंने ट्रांसमिशन लाइन पे 3000 वोल्ट्स दिए, तो 3000 वोल्ट्स के आउटपुट में मुझे मिलेगा जाके 2700 वोल्ट्स, यानी कि 300 का लॉस हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं उसमें दूंगा 5000 वोल्ट्स की सप्लाई और मैं आउटपुट लूंगा तो आउटपुट मुझे मिलेगा 4800 वोल्ट्स, यानी कि अब मेरा लॉस कम होगा। इसलिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे लॉसेस कम होते जाएंगे। सो एक पॉइंट ये भी होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि लॉसेस कम हो सकें। फोर्थ पॉइंट ये और लास्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसमिशन लाइन मेल्ट क्यों नहीं होती। सो मेल्ट होने के लिए पहली चीज़, वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो उस पर एल्यूमिनियम लगा होता है ACSR, वो नहीं पहुँच पाता। दूसरी चीज़, किसी भी मेटल को मेल्ट होने के लिए आपको उसमें करंट भी फ्लो करानी पड़ती है, और ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज हाई होता है करंट नहीं। तो जैसे हम ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को अप करते हैं वैसे करंट डाउन हो जाती है, और करंट कम हो जाती है तो फिर कोई भी मेटल मेल्ट नहीं होगा। सो मैं इसका एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि एक रोड है। अब उस रोड से मैं ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करूंगा तब जाके वो रोड ख़राब होगी, टूटेगी, बिखरेगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो ये इसका सिंपल आंसर था। और भी बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े वीडियोस बना रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन या फिर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसमिशन लाइन पे हाई वोल्टेज होने पर वो मेल्ट क्यों नहीं होती है, तो आपको एक सिंपल सा आंसर देना है कि ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज हाई होता है, करंट हाई नहीं होता। करंट हाई नहीं होगी तब तक कोई भी मेटल मेल्ट नहीं होगा। सो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।